गुलाब की कलम जो हमने 10 लगाई थी उसमें से 7 कलम चल गई हैं। इस प्रकार से ये गुलाब के 70% का जर्मिनेशन हुआ है। ये वीडियो हमने पहले डाला था लेकिन अब ये पौधे में जर्मिनेशन हुए हैं, इसमें कल्ले निकल आए हैं, तो इनको भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत वीडियो बना रहे हों और आप लोगों को भ्रमित कर रहे हों, तो ऐसा नहीं है, जो बताते हैं वही करते हैं। ये दूसरा हमने मेहंदी का पौधा लगाया था जिसमें 3 कलम लगाई थी, जिसमें से 2 कलमें हमारी चल गई, उसमें से कल्ले निकल आए हैं। तो ये हमारे मेहंदी का है। और फिर हमने ये अपराजिता प्रजात का पौधा की कलम लगाई थी, उस कलम में भी हमारे कल्ले निकल आए हैं। और ये हमने एक प्लांट को शिफ्ट किया था जो नीचे से खोद करके गमले में लगाया है, वो देखो छोटा था पड़ गया है। और ये हमने पत्थर चट्टा अजूबा का पौधा हमने शिफ्ट किया था, छोटा सा था, अब हमारा इतना बड़ा ये 15 दिन में हो गया है। और ये हमारा पेपरोमियो का पौधा है जो हमारे पास 2 थे, तो 2 गमलों में हमने इसे लगाया था, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। बस केवल इनमें एनपीके ये थोड़ी सी खाद हमने और डाली है। और ये भी हमारा पेपरोमियो का पौधा जो दूसरा था उसे शिफ्ट किया था, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा, थोड़ा टेढ़ा था तो इसको सीधा कर दिया गया है। गमले के देखभाल करते रहिए, थोड़ी सी घास आस होती है उसे हटा देना चाहिए। और ये हमने एक पौधे को काट करके अलग नहीं आए थे, इसमें भी ग्रोथ होनी, पत्तियां निकलना चालू हो गए हैं। और ये हमने जो 9 o'clock का पौधा लगाया था, जिसमें हमने बताया था कि 2 कलर के या 3 कलर के भी लगा सकते हैं, तो हम लगाएं, देखो ये पीले गुलाबी